दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की है अपील। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है हलफनामा। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद से ही लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और एक अलग तस्वीर दिल्ली की इस वक्त देखने को मिल रही है, जो हवा पानी है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है सरकार ने, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर तमाम सरकारों को फटकार लगाई थी और साफ तौर कहा था कि आखिरकार प्रदूषण कैसे रुकेगा, हर साल इसी तरह की स्थिति होती है, अगर आप लोग नहीं संभाल सकते तो क्यों ना दो तीन दिन का लॉकडाउन लगाने पे विचार करना चाहिए। तमाम राज्यों केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था, दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है और ऐसे में अगर दिल्ली में लॉकडाउन लगा भी दिया जाता है तो पड़ोसी राज्यों से, चाहे वो पराली का धुआं हो या पटाखों की बात करें या अन्य प्रदूषण की बात करें, धूल के कणों की बात करें, एनसीआर इलाके से तमाम इलाके से जो है वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे, जिससे लॉकडाउन का उस तरह से फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार इसमें कोई कमेटी बनाए, केंद्र सरकार खुद मॉनिटर करे और तमाम दिल्ली के पड़ोसी राज्य, चाहे वो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उन्हें भी लॉकडाउन या जो उचित कदम है खासतौर पर प्रदूषण को रोकने के लिए उन्हें अपनाने चाहिए। दिल्ली सरकार हर कदम पे प्रदूषण रोकने के हर कदम पे तमाम राज्यों के साथ खड़ी है और जहां तक लॉकडाउन की बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है तो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है। जी बिल्कुल अमित जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि लॉकडाउन लगेगा तो एक बार फिर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इससे पहले भी कई बार लॉकडाउन लगा तो दिक्कतें होती हैं, तो क्या उन दिक्कतों से भी निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। साफ तौर पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट जो हलफनामा दायर किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यों ना दो तीन दिन का लॉकडाउन बुलाया जाए, तो दिल्ली सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। केंद्र सरकार किस तरह से अपनी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट सामने रखती है, तमाम राज्य सरकारें किस तरह रखती है वो देखना होगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है और उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता, तमाम सरकारों को आदेश और निर्देश देता है वो भी देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की अकेले की समस्या नहीं है, चाहे यमुना प्रदूषण की बात करें, पिछले दिनों इसे लेके किस तरह की राजनीति देखने को मिली थी, तमाम सरकारों का तमाम पार्टियों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है जिम्मेदार है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि यमुना का पानी जो है वो दिल्ली में नहीं बनता, अगर यमुना में दिल्ली की अगर कुछ गंदगी जाती है तमाम अन्य राज्य हैं उनकी भी, चाहे वो सीवेज की बात करें या अन्य गंदगी की बात करें, वो यमुना में जाती है और ऐसे में हर एक को कोशिश करनी चाहिए। प्रदूषण जहां तक है दिल्ली में उतनी खेती नहीं है, जब दिल्ली सरकार मंत्रियों से हमारी बात हुई है, तमाम अन्य राज्य पर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन राज्यों से पराली जलाई जाती है जिसका सलूशन अब तक ये राज्य सरकारें नहीं ढूंढ पाई और किसान पराली जलाने को विवश हो जाता है, तो ऐसे में वो धुआं जो है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं आता है और नवंबर का महीना ऐसा होता है जब सर्दी की दस्तक होती है और ऐसे में ना ही तेज हवाओं की उम्मीद होती है ना ही बारिश की उम्मीद होती है, यानी प्राकृतिक रूप से अगर प्रदूषण से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता और ऐसे में कृत्रिम चीजें, चाहे वो कृत्रिम वर्षा की बात की जाए या कृत्रिम जो छिड़काव होता है उस तरह टैंकर से पेड़ पौधों और सड़कों पर छिड़काव करने की चीजें हो तो वो सरकार को करनी पड़ती है और यही वजह है कि हर बार बड़ी समस्या जो है वो लगातार प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन के उभर जाता है। रिसेंटली यहां तक स्थिति आ गई कि एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद है, दिल्ली के तमाम कंस्ट्रक्शन के कार्य 17 तारीख तक बंद है, दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 7 डे वर्क फ्रॉम होम दिया गया, तो इस तरह के तमाम उपाय दिल्ली सरकार जरूर कर रही है, लेकिन जरूरी है कि तमाम अन्य राज्यों, दिल्ली सरकार ने जो बात कही है कि तमाम अन्य राज्य भी इससे कोऑपरेट करें और इसमें सहयोग करें। जी बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं अभी देखना होगा कि दिल्ली में लॉकडाउन कब तक लगता है और कितने दिनों का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां पर आबोहवा पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को उसके लिए फटकार भी लगाई थी और आपको बता दें कि आज इस मसले पर सुनवाई भी होनी है। जमात उलमाए हिंद के उस्ताद गाइड प्रशिक्षण सेंटर का विरोध